गुड इवनिंग दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बात करने वाला हूँ कार्डोन के बारे में, यानी कि आडा कॉइन के बारे में। इसको लेके काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं, क्या सेल कर देना चाहिए, क्या इससे एग्जिट कर देना चाहिए, या ये डंप कॉइन हो चुका है, क्या अब नहीं बढ़ने वाला क्योंकि मार्केट ऑल ओवर पूरी यहाँ पे बढ़ चुकी है, ऑल कॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कार्डोन है कि बढ़ने का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा। मैंने इसका बाइंग एरिया भी आपको $2.1 से लेके बताना स्टार्ट कर दिया था। अभी हम यहाँ पे 5% के लॉस में, अगर आपने स्टॉप लॉस यूज़ करा होगा तो लॉस भी हो गया होगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे होल्ड करा हुआ एडीए, क्या वो यहाँ पे कर सकते हैं एडीए के साथ, क्या इसका प्राइस दोबारा से बढ़ने वाला है? तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे कार्डोनो को ये सोच रहे हो कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देगा, तो आप वो गलत चीज़ सोच रहे हो। कार्डोनो एक ऐसा कॉइन है दोस्तों जो आपको जब प्रॉफिट देगा तो एक मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। अब इसको लेके मैं जो चार्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपकी यहाँ पे सोच बदलने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। और साथ ही यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का भी अपडेट इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, तो लाइक अभी से कर दिए वीडियो को और साथ ही एक कमेंट अच्छा सा कर दिए, जिससे थोड़ा पॉजिटिव वे में मुझे भी लगता है कि हाँ लोग भी देख रहे हैं और लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके चार्ट मेरे चार्ट से यहाँ पर मैच करते हैं या फिर थिंकिंग से मैच करते हैं, आपको भी वही लगे जो मुझे यहाँ पर लग रहा है, तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा, उससे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे आडा कॉइन के चार्ट के साथ। करंटली इसका प्राइस यहाँ पे देखोगे $1.92 लगभग इस टाइम पे प्राइस चल रहा है, सॉरी $98 इस टाइम पे प्राइस चल रहा है, जहाँ पे एक करंटली ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जो कि $2 की है। यही पहले इसका एक टाइम पे सपोर्ट लेवल था, लेकिन अभी के लिए यही जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। बिकॉज जिन लोगों ने वहाँ पे मान लो कि आपने बाय करा था, अगर यहाँ पे $2 के मतलब बाय करा था पहले, तो आप यहाँ पे आप अपना एवरेज आउट करने के लिए सोचते हो, आप एडीए कॉइन अब डंप हो चुका है तो $2 पे आप वहाँ पे सेल कर रहे हैं लोग। लेकिन अभी उन लोगों को पता नहीं है यहाँ पे कि आडा के अंदर यहाँ पे क्या चीज़ें फॉर्म हो रही हैं। ये दोस्तों डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बन रहा है, मैं टेक्निकली अभी बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल भी हम बात करेंगे, फंडामेंटल क्योंकि इसको लेकर न्यूज़ नहीं आ रही है, वरना हो सकता था कि अभी तक ये पंप भी कर गया होता। टेक्निकली पहले हम देख लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर आप देखोगे इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं हम, जो कि पहले भी यहाँ पर फॉर्म हुआ था। ये दोस्तों यहाँ पर फॉर्म हुआ था लगभग, ये आप देख सकते हो 22 जुलाई 2021 की बात है, जहाँ पर इसी तरीके का डिसेंडिंग ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं फॉर्म हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो एडीए कॉइन के यूडीटी के चार्ट में, यहाँ पे वनडे का चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है, और यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों तो एडीए ने अपना एक और नया ऑल टाइम हाई बनाया था और एक बहुत बड़ा पंप आया था कार्डनो के अंदर, जो कि $3 तक जाता हुआ दिखा। हालांकि वहाँ पे काफ़ी फंडामेंटल न्यूज़ थी आडा कॉइन को लेके, तो वो हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं, वो फंडामेंटल पर हम जाएंगे तो कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो ब्रेकआउट था बहुत बड़ा ब्रेकआउट था, और यहाँ पे जो पंप आया था आडे के अंदर वो भी बहुत बड़ा था, जिससे काफ़ी लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट मुनाफा यहाँ पे बनाया जब यहाँ पे बाइंग गई थी। उसी तरीका यहाँ पे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि अभी जो आडा कॉइन जो है कार्डनो कॉइन, उसी तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे ले सकता है, क्योंकि आप देखोगे इस पैटर्न को और इस पैटर्न को सेम है, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरीके जैसे यहाँ पे नीचे गया था, डाउनफॉल आया था बहुत बड़ा, उसी तरीके से यहाँ पे भी डाउनफॉल आया आडा कॉइन के अंदर, और यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है सपोर्ट बनाने की। जैसे यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म करा था लगभग ये एरिया था $1.1 का आसपास सपोर्ट था, उसी तरीके का सपोर्ट यहाँ पे $1.9 के आसपास आप देखोगे, तो यहाँ पे कंफर्म करने की कोशिश करा, जहाँ पे 1, 2 और तीसरी बार में ये कंफर्म, यहाँ पे 4 बार हुआ था, 1, 2, 3 और ये चौथी बार में ये ब्रेकआउट लिया था। तो अगर यहाँ पे ये सपोर्ट कंफर्म कर रहा था, जैसे अभी कंफर्म यहाँ पे करा हुआ है, और इसी तरीके का यहाँ पे ब्रेकआउट लेता है, इसके ऊपर की साइड ब्रेकआउट लेता है, ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, तो मेरा मानना है यहाँ पे आडा कॉइन आपको इतना तगड़ा प्रॉफिट दे सकता है, 50% तक भी पंप कर सकता है मिनिमम, मैं मान रहा हूँ यहाँ से, और ये आराम से आपको $2.5 से लेके $3 के आसपास जाने को दिख सकता है, और हो सकता है यहाँ पे कि अपना ऑल टाइम हाई भी क्रिएट कर ले नया। अब मैं ऑल टाइम हाई क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ये दो ट्रेंड लाइन से, अभी मैं सीधा टेक्निकली से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई फंडामेंटल चीज़ में लेके नहीं आ रहा। ये जो ट्रेंड लाइन से आपको दो दिख रही हैं यहाँ पे, बहुत तगड़ा सपोर्ट देती है यहाँ पे कार्डनो को, और यहाँ पे अगर $1.8-$1.7 तक कार्डनो आता है, बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे 1.8 और 1.75 के आसपास कार्डनो के लिए, जहाँ से मेरा मानना है कि यहाँ से अगर बाउंस बैक ही लेता है तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई अपना बनाता है, तो $3.5 तक जाता हुआ हमें देखेगा नया ऑल टाइम, $3.5 से लेके $4 तक का। तो ये जो चार्ट है, जो आपको दो चार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कार्डनो के अंदर हो सकता है थोड़ा समय ले लें, लेकिन एक काफ़ी बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है। दोनों ही चार्ट ये इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि बुलिश मुझे लग रहे हैं दोनों ही चार्ट यहाँ पे, आप देख सकते हो क्लियरली। अगर आपके ऐसे चार्ट मैच करते हैं तो आप भी बना सकते हो, जाके ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है वहाँ पर आप अपने चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता ड्रॉ करना तो मैं आपको सिखा दूंगा, एक वीडियो है मेरी जहाँ पर आप सीख सकते हो। आइनर के अंदर हम बात करें, करंटली यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी टाइम से इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 155-150 से के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है कार्डनो,
अभी लोग काफी ज्यादा डरे में, और जब भी फियर होता है मार्केट, मैंने आपको पहले भी समझाया, जब भी फियर होता है मार्केट बहुत बड़ा मूव लेती है। कार्डोनो भी उसी तरीके का मूव हम भी कभी भी लेते हुआ दिख सकता है। तो अगर आपके पास कार्डोनो है, आपने 170 रुपये, 180 रुपये या उसके ऊपर भी बाय करा है, होल्ड करना, लॉस में बिल्कुल भी सेल मत करना। कार्डोनो बहुत बड़ा मूव ले सकता है। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है वो सेल करते हैं, कॉइन का प्राइस बढ़ जाता है, फिर वो बाय करते हैं जब हाई हो जाता है, और फिर जब वो गिरना स्टार्ट होता है फिर सेल कर देते हैं। इसी तरीके से लॉस होता है उन लोगों का जो मार्केट के अंदर नए आते हैं, फिर वो ये सोचते हैं कि जब मैं बाय करता हूँ तब उसका प्राइस बढ़ता नहीं है, गिरना स्टार्ट हो जाता है, और जब मैं सेल कर देता हूँ तो उसी कॉइन का प्राइस बाद में बढ़ जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है, होल्डिंग यहाँ पे दिखानी है आपको, और थोड़ा भरोसा रखना है यहाँ पे कार्डनो के ऊपर। ऐसा वैसा कॉइन नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं इसके कॉन्टैक्ट खुद के लॉन्च हुए हैं, अब उसके ऊपर ऐप बिल्ड होंगे, और यहाँ पे आप कार्डनो के अगर वेबसाइट यहाँ पे ट्विटर हैंडल पर जाके देखो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ओवर 2 मिलियन ADA के वॉलेट्स यहाँ पे हो चुके हैं, यानी कि 2 मिलियन वॉलेट्स के अंदर ADA यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी कि ADA को लोग होल्ड करते हैं, ADA को लोग बाय करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है मेरे हिसाब से। और आप ट्विटर के ऊपर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कार्डनो को लेके लोग क्या क्या प्रिडिक्शन यहाँ पे दे रहे हैं, कार्डनो को लेके क्या क्या बातें यहाँ पे करी जा रही हैं। सारी रिसर्च मैं यहाँ पे करके आया हूँ, जहाँ से एक ही चीज़ मुझे पता चली है, कार्डनो को लेके बहुत बुलिश हैं लोग। ट्रेंडिंग में यहाँ पे ट्वीट चल रहा था, 37.5 के ट्वीट हो गए थे कार्डनो के ऊपर। और यहाँ पे आप देखोगे अगर #ADA भी देखोगे, 92 ट्वीट्स आ चुके हैं इन पास्ट, एंड आप देखो लास्ट आवर यानी कि पिछले 1 घंटे के अंदर 920 लोगों ने #ADACoin यानी कि कार्डनो कॉइन ट्वीट करा यहाँ पे, यानी कि अच्छी खासी हाइप बनाई जा रही है यहाँ पे ट्विटर के ऊपर भी कार्डनो को लेके। और मेरा ये मानना है जिस हिसाब से यहाँ पे स्टार्ट ये शेयर हो रहे हैं कार्डनो को, और यहाँ पे भी आप देखोगे अलग अलग चार्ट आपको देखने को मिलेंगे ट्विटर के ऊपर कार्डनो के, और अलग अलग लोग यहाँ पे अपनी अपनी प्रिडिक्शन दे रहे हैं, जो भी यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस रहे हैं और जो एनालिसिस करते हैं टेक्निकली, वो अलग अलग अपनी प्रिडिक्शन दे रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस मैं नहीं कहता हूँ कि पूरा 100% श्योर होता है, लेकिन 70% 60% आराम से वर्क कर जाता है अगर फंडामेंटल अच्छे हों। और हम सभी लोग जानते हैं मार्केट अभी बहुत अच्छे मूवमेंट में है, अगर कार्डनो को लेके एक पॉजिटिव न्यूज़ सिर्फ आ जाती है यहाँ पे, जैसे कि ये अभी इतनी कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं है, एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे चाहिए, कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हों, कोई चीज़ भी आ रही हो, तो कार्डनो के अंदर एक बहुत बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है, जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा यहाँ पे पंप होगा। तो यहाँ पे जो लोग घबरा रहे हैं कार्डनो से, उनसे मैं कहूँगा ये एग्जिट आप कर सकते हो, बिकॉज ये मार्केट थोड़ा सा ऐसी रहती है, यहाँ पे आपको होल्डिंग दिखानी पड़ती है, अपनी पावर दिखानी पड़ती है होल्डिंग की, यहाँ पे आपको थोड़ा मैं कहूँगा दिमाग से खेलना पड़ता है, ना कि दिल से। दिल से खेलोगे यहाँ पे आप ये सोचोगे कि मेरा इतना लॉस में चल रहा है पोर्टफोलियो, ये लॉस चल रहा है, तो आप यहाँ पे हार जाओगे और आपका लॉस हो जाएगा डेफिनेटली। आपको देखना अभी 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आप खुद बोलोगे कि हाँ भाई कार्डनो जो था हमने क्यों सेल कर दिया। तो इसलिए मैं कहूँगा कार्डनो अगर आप लॉस में चल रहे हो कभी भी सेल मत करना, बल्कि यहाँ पे मैं तो बाइंग का सोच रहा हूँ कार्डनो के अंदर, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, और मैंने बाइंग भी ली है कार्डनो के अंदर, मैंने 2.1 पे भी बाय करा है और $2 पे भी करा है और 1.8 पे भी करा है और यहाँ नीचे भी करा है पहले। तो कार्डनो के अंदर अलग अलग प्राइस पे बाइंग है मेरी, मैं SIP करता हूँ कार्डनो के अंदर, बहुत भरोसा है कार्डनो के ऊपर मेरा, और यही रीज़न है कि कार्डनो को मैं लेके इतना बुलिश हूँ। अभी बहुत डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है, बाद में लोग इसको $2.5 में, $2.2 में भी बाय करेंगे, आप ही लोग होंगे वो जो बाय करोगे जो अभी यहाँ पे डर रहे हैं कार्डनो से। तो ये डर था मैं जो निकालना चाह रहा था उन लोगों के लिए, स्पेशली जो मुझे शुरू से फॉलो करते हैं और वो जानते हैं कि टेक्निकल कितना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट के अंदर, क्योंकि मैं आपके साथ ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ें ही यहाँ पर शेयर करता हूँ और फंडामेंटल्स भी कवर करता हूँ, बिकॉज फंडामेंटल भी बहुत अच्छे से वर्क करता है अगर हम यहाँ पे पंप की बात करते हैं या फिर हम बड़े पंप की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ें शेयर कर दी, कार्डनो को लेकर जो हाइप बनाई जा रही है मार्केट में वो भी शेयर कर दी। अभी कोई चीज़ ऐसी नई ऐसी नहीं है कि कार्डनो की लॉन्च हो रही हो या, तो मैं उसको अभी अगर होगी तो आपके साथ टेलीग्राम के अंदर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें बिटकॉइन के बारे में दोस्तों, तो बिटकॉइन अभी ट्रेड जो कर रहा है यहाँ पे 63,500 का ये डॉलर का एरिया था, जहाँ पे मैंने आपको बोला था ये लेवल अगर डेली के अंदर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा $67,000 से लेके $70,000 के बीच में जाने वाला है, और नवंबर मंथ के अंदर $70,000 तय है बिटकॉइन जाना अगर यहाँ पे बस इस लेवल के ऊपर डेली क्लोजिंग ले लेता तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना। ये मैं अभी से बोल दे रहा हूँ कि नवंबर के अंदर $70,000 पे आपको बिटकॉइन मिलने वाला है, तो अगर आपको बाइंग लेनी है जैसे ही ये लेवल ब्रेक करे यहाँ पे डेली क्लोजिंग इसके ऊपर हो, यानी कि कल सुबह में या फिर परसों सुबह में, डेली क्लोजिंग जो होती है कैंडल क्लोजिंग सुबह 5:30 बजे होती है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे $63,500 के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिले, तो आप एंट्री भी बना सकते हो बिटकॉइन के अंदर, बिकॉज बिटकॉइन बिटकॉइन सबका बॉस है ही समझ लो एक तरह से, ठीक है। तो बिटकॉइन
चलेगा तो ये हमारा, सॉरी ये तो मेरा मूवमेंट होने लगा, बिटकॉइन चलेगा तो मार्केट चलेगी, और अगर यहाँ पे बिटकॉइन पंप करता है तो हो सकता है ऑयल्स के अंदर थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल जाए, तो वहीं एडी के अंदर भी हो सकता है थोड़ा सा और करेक्शन आ जाए। लेकिन जो मेरे चार्ट्स हैं यहाँ पे एडी के, वो ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा करेक्शन भी लेता है तो 1.75 तक जाएगा, उसके बाद एक बड़ा पंप इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो डरना मत, एडी को होल्ड करने की यहाँ पे कोशिश करना और थोड़ा अपने टर्न का यहाँ पे वेट कर लेना, बिकॉज दोनों ही चार्ट आप देखोगे तो बुलिश हैं यहाँ पे कार्डनों को लेकर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करें। आपका चार्ट क्या कहता है कमेंट के अंदर वो बताना, अगर आपके सेम व्यूज हैं तो वो भी बताना, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और साथ ही ये भी पता चलता है कि और लोग क्या सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में तो यही अपडेट था, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।